श्री सिद्धान्तसरस्वतीविजयते गौरीयगोष्ठीपति वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नितानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनन्द वन्दे राधिका चरणोद्वयम् गोपीजनो समायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतर्वश्च कृपासिन्दुविभीतानं पावुनेभ्य वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुङ्गिरिं यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्

सदानुराप्तगुरुभोक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्षजगो ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तेथास्पदं शिवविरञ्च शरण्यं वेत्तात्युहं पनुतपाल्लभवाद् दीपोतम् বন্দে মহাপুরুষতে চরণে যৎ পাদপल्लभনক চন্দমণি ছটায় বিশপুর জীবতগমপি গোবদুśwাদর্শে পূর্ণ অনুরাগ রস সাগর সার মূর্তি সരാদিকাময় कदा কিপাম কুরুস শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ श्रीअद्व गदाधर शिवासादी गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनेंद श्रीअद्वत गदाधर शिवा गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे

बंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतारो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम, राम। नमामि गङ्गे तवपादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नितं भावानुरूपे न सदा नरानम्

लक्ष्मीजश्सी ज्यादय संबितमह भजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम রাম রে হরে সংসার সিধুত্তে হৃদয়ে যদি সঙ্কীর্না রে মনশে প্রেম বিধিণে যদি চিতবি চৈতন্য চন্দে কুড়াগম চৈতন্য চন্দ চরণে কুরুত অনুরাগম সংসার সিন্ধু উত্তরণে হৃদয়ম যদি সাদ সংকীর্তন অমৃত রসে রমতে মনুষ্যে প্রেমামব্ধৌ বিহরনে যদি চিত্ত বিতী চৈতন্য চন্দ চরণে কুরুত चैतन्य चंद चरण कुरुतानुरागम अनुरागम गौरी गोष्ठीपति श्री भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी डॉक्टर भोपा जी ने बताए अगर चैतन्य हो हमारा दिल में सुरक्षित है तो सब कुछ है पूरा तमाम दुनिया अगर पानी में डूब जाए तमाम दुनिया अगर पानी में डूब जाए लेकिन अगर चैतन्य तो है चैतन्य चरितमित्व को मैं छाती में लगाकर ये प्रलय पानी में तैरते रहूं, कोई दिक्कत नहीं है गौरी गोष्ठी सिसिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती को समय जगत भोपाल परमंश जगत गुरु जी ने बताए तमाम जगत अगर पानी में डूब जाए प्रलय का पानी में प्रलय का पानी में डूब जाए और अगर चैतन्य चैत्यम तो मेरा पास है मैं चैतन्य चौतामित चैतन्य चैत्या तो को अपना छाती में लगाकर ये प्रलय का पानी में मैं तैरते रहूं चैतन्य चरित्र में तो है मतलब कुछ नुकसान नहीं है महाराज क्या कहते हो हाँ अगर चैतन इफ चैतन्य चरित्र में तो इज प्रोटेक्टेड देन एवरीथिंग प्रोटेक्टेड एवरीथिंग इज देयर नथिंग लॉस्ट पौपात का ये बात समझना बहुत मुश्किल है पौपात का ये बात समझना बहुत मुश्किल है समझने के लिए प्रपात का अंतकरण में प्रविष्ट होना पड़ेगा प्रौपात क्या बताना चाह ये जो मेटेरियल जगत है ये मेटेरियल जगत में प्रचार प्रसार सारे चल रहा है ये मेटेरियल जड़ जगत में है दिशा सारे प्रचार प्रचार प्रसार चल रहा है इसका बारे में मदन मोहन मालव्भ जी ने बताया जब आपका तो इतना सारे मठ हो गया सारे सब कुछ हो गया प्रचार तो चल रहा है चैतन्य महाप्रभु का इतना सारे इतना कम समय में पापा जी ने बताया देखो हमारा मठ बना है प्रचार चल रहा है लेकिन ये प्रचार काफ़ी नहीं है प्रचार करना है तो मेरा इच्छा है हर किसी का दिल में चैतन्य चैताम्य को प्रतिष्ठित कर दूं मेरा इच्छा है हर जीवों का हृदय में चैतन्य चैताम्यों को स्थापना कर दूं मतलब गौरियमठ का स्थापना कर गौरिया मठ का स्थापना करना मतलब चैतन्य चरता मिंदु का स्थापना करना चैतन्य चरित मिंदु मतलब गौरांग महापु का स्थापना एक ही बात है शारदेन्दु नारायण ये भी यही प्रश्न किया था आपका तो थोड़ी से समय में चौसठ इतना मठ हो गया साठ का ऊपर पौपात बताएं देखो मैं हर जीवों का हृदय में गौरिया मठ प्रतिष्ठा करना चाहता हूँ ये तो कुछ भी नहीं इसमें क्या हो सकता और मदन मोहन मालो जी ने प्रश्न किया जो आप जो दैनिक नदिया प्रकाश आदि प्रकाश करते हो ये कहाँ से आपका इतना आर्टिकल आदि मिलता है इतना जो इन्फॉर्मेशन है कहाँ से मिलता है पोपात बोलिए देखिए भगवान का चार पाद विभूति है ये चार पाद विभूति में तीन पाद विभूति हमको दिखाई नहीं पड़ता चार पाद विभूति में तीन पाद विभूति दिखाई नहीं पड़ता और एक पाद विभूति ये अनंत मेटेरियल ब्रह्मांडो जो है ये एक पाद विभूति मतलब ओनली वन पार्ट तो अगर यहाँ एक पाद विभूति है अनंत मेटेरियल ब्रह्मांड जड़ जगत है ये जड़ जगत का अंदर में हमारा पृथ्वी एक छोटा सा जगह है हमारा ये पृथ्वी जो है अनंत ब्रह्मांडों का विचार करो तो पृथ्वी तो कुछ भी नहीं इतना छोटा है ये दिखाई नहीं पड़ता धूलिकन का माफी ये पृथ्वी का अंदर में न जाने कितना न्यूज़पेपर है कितना अखबार कितना आपका मैसेज चारों ओर लिख रहा है बांट रहा है अगर ये जड़ जगत में इतना मैसेज है इतना खबर है जो डेली ये लोग इतना खबर कहाँ से मिलता है ये भी जड़ जगत का एक पात विभूति का एक सामान्य धूलिकन का मापी अंश आंशी पृथ्वी इसमें तो जो भगवान का चार प, चार पाद विभूति है उसमें जो तीन पाद विभूति सुरक्षित है जो हमको दिखाई नहीं पड़ता ए जगत का मैसेज क्या कमी हो सकता ए जगत का मैसेज अगर इतना है तो अपराकृत जगत का जो विषय है त्रिपाद विभूति उसमें क्या अप्राकृतिक जगत में इन्फिनिटी मैसेज है भगवान का वार्ता है तो इसमें कोई कमी हो सकता है कभी नहीं हो सकता विचार जरा सा ये हैं भगवान मंगलमय है हर हालत में भगवान मंगलमय है इस बारे में कोई गुंजाइश नहीं है भगवान अनंत मंगलमय है लेकिन जड़ जगत का आदमी मंगल का डेफिनेशन जानता नहीं इसलिए हर वक्त अपना दुख भरे नाले सुनाता है अपना दुख भरे नाले सुनाता है अपना क्रिए किए हुए कर्म का फल भुगतना पड़ता है जीवों का अपना किए हुए कर्म का फल जीवों को भुगना पड़ता है अनंत काल से ऐसा चलते आ रहा है इसमें कोई छेद नहीं है अनंत काल से इस बार इस जगत में जन्म हुआ है जन्म होने का बाद जन्म होने का बाद हम अपना कर्म फल को भुगत रहा है इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है हम हम अपना कर्म फल को भोग रहा है इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है भगवान क्या करें कोई अगर कहे आपने विचार बताया भगवान का इशारा के अलावा पैर पैर का एक पत्ता भी हिलता नहीं है आपने बताया विचार करके एक पेड़ का एक पत्ता भी भगवान के इशारा के अलावा हिलता नहीं तो आप कहते हो को अपना कर्मफल जीव भोगता है हाँ जीव भोगता है जीव अपना कर्मफल को भोगता है गीता में भगवान बताया हम किसी जीव को हम भगवान ने बताया गीता में हम किसी जीव को पाप और पुण्य कर्म में लगाया नहीं मैंने कभी किसी जगह ऐसा उपदेश नहीं दिया कि आप पुण्य कर्म करो या पाप कर्म करो पुण्य और पाप दोनों ही बंधन का कारण है पाप और पुण्य दोनों ही बंधन का कारण बनता है पाप और पुण्य का बारे में मैंने किसी जीवों को कभी भी उपदेश नहीं दिया जीव अपना मनमानी पूर्व कर्म फल के अनुसार पाप या पुण्य कर्मों में लगे रहता है और अहो भाग्यों से अगर शुद्ध गुरु वैष्णव का संग हो गया शुद्ध भक्ति का बारे में कुछ पता चले तो ये भक्ति करने का लिए इरादा भक्ति करने के लिए इरादा पक्का कर लेता है कभी नहीं भी पक्का करता है ऐसे करता है कभी गिर भी जाता है क्योंकि मुक्त तो अवस्था ये जगत ये जड़ जगत में जो मुक्त अवस्था है मतलब मायापार मुक्त अवस्था होने का बाद भी ये जगत में अगर कोई मायापार हो गया मुक्त होने का बाद भी गिर सकता है अगर गुरु वैष्णव भगवान के चरण में नाम का चरण में कोई अपराध हो गया जीवन मुक्त ओपी पुनर्वंधनम जानती सखर मफी अपना कर्मफल के अनुसार उसको भोगना पड़ेगा गिरना पड़ेगा मुक्त तो होने का बाद मुक्त तो मतलब प्रतिक प्रकृति का जो सतर जो तम तम गुण का जो प्रभाव है इसका बाहर जाने का बावजूद उसको गिरना पड़ता है तो इसका लिए कोई पापा जी ने बताएं देखो जितना सारे तमाम बद्ध जीव है सारे काला कृष्णदास का रिप्रेजेंटेटिव है कभी भी गिर सकता है जीव बद्ध जीव कभी भी गिर सकता है जीव कैन रिजर्व द राइट ऑफ फॉल डाउन एनी टाइम इसमें तो बद्ध जीवों को बचाने के लिए भगवान शास्त्रों का रूप धारण करके उतार आए हैं भगवान शास्त्रों का रूप धारण करके इस जगत में उतार आए हैं फिर गुरु वैष्णव का रूप धारण करके इस जगत में पधारे हुए हैं संत महात्मा लोग विग्रहों का रूप धारण करके भगवान पधारे हुए हैं धाम का स्वरूप पकड़ कर भगवान इस जगत में उतारे आए हैं धाम का रूप धारण करके नाम का रूप कली नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम का रूप धारण करके भी भगवान इस जगत में उतारे आए हैं संत महात्मा का वेश पकड़ कर भगवान खुद बोला कृष्ण जनोष्य कृष्णाद विमुखस्व दैवाद अधर्मशील सुदुखित अनुग्रहा चरंति नूनम भूतानी भाव्या जनार्दनस् भगवान जनार्दन का भगवान जनार्दन का जो अपना आदमी है भगवान जनार्दन का जो भक्त लोग हैं ये लोगों को भगवान भेज दिया है जगत में भगवान का जो निजी जन है भक्त लोगों को इस जगत में भेज दिया है भगवान जहाँ सब जितना सारे बद्ध जीव हैं इन लोगों को उद्धार करने का प्रयास प्रचेष्टा करो ठीक है और जितना सारे व्रत उपवास हैं व्रत हैं एकादशी जन्माष्टमी आदि जितना सारे व्रत उपवास है सारे जो व्रत उपदा उपवास है क्योंकि कीर्तन में भक्ति में रघु जी ने लिखा है केशव तीर्थि भक्ति जननी परम आदरे बोरी ऐसा लिखा हुआ है भक्ति जननी अर्थात भगवान का साथ भगवान का स्वरूप शक्ति भक्ति जो है अभिन्न है इसलिए भगवान इस जगत में धाम का रूप में नाम का रूप में शास्त्रों का रूप में संत महात्मा का रूप में उपवास का रूप धारण करके इस जगत में पधारी हुए हैं जैसे बद्रजीवों को बचा सके भगवान इच्छा करके जगत में आए हुए हैं जाल फैला हुआ है जैसे नदी में जैसे नदी में मछुआरे लोग जैसे नदी में जितना सारे मछुआरे हैं जब ये ये नदी में जाल बिछाते हैं और जाल बिछा के मछली को पकड़ लेते हैं उठा के ले जाते हैं जिस बारे में भक्त ठाकुर जी ने सुंदर कीर्तन भी किया है शायद आपको मालूम है भक्त ठाकुर जी ने कितना कीर्तन किया है আর কেন মায়া জালে পরিতে জীব মিন কীর্তন শুনা হ্যাঁ আর কেন মায়া জালে পরিতেছ জীব মিন নাহি জানো বদ্ধ হয়ে রবে তুমি চির দিন তুচ্ছ ভগ আসে বন্দী হয়ে মায়া পাশে তুচ্ছ ভোগ আসে বন্দী হয়ে মায়া পাশে রহলে যথা দণ্ডযথা অতি তুচ্ছ ভোগ আসে বন্দী হয়ে মায়া বাসে রহিলে বিকৃতভাবে দ্বন্দ্ব যথা পরাধীন যথা পরাধীন जैसे किसी का हाथ में डंडो है डंडो को जैसे चलाए वैसे चलें माया का चक्कर में बद्ध जीव गिर गया और ये अनंत माया का सागर में ऐसा हालत चल रहा है इसलिए भक्ति में कीर्तन में लिखा है आर कैनो नो माया जाले परिथेक्षो जीवो मीनो नाही जानो बौद्ध है रोबे तुम्हें चिरते। अब जो प्रश्नो चर्चा चल रहा था जीव अपना कर्मफल भोगोद रहा है भगवान कर्मफल को भोगने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं भगवान नहीं बोला कि तुम पाप करो पुण्य करो नौ का सचित पापम न सुकृतिम विभुम अज्ञान आवृतम ज्ञानम तेन विहंती यंत न आदत््य का सचित पापम न चैव वो सुकृतिम भगवान पाप पुन के बारे में कुछ नहीं बोला न आदत्त्य सचित पापम न चैव वो सुकृत्रिम विभूम अज्ञाने न ज्ञानम तेनो बुझंति जंत अज्ञान के द्वारा जीव विमोहित है भगवान कभी किसी को पाप पुन्नो अच्छा कर्मो बुरा कर्मो क्योंकि कर्म मात्र कौर्मो कर्म में कर्मों का मतलब बंधन क्योंकि कर्मों का मतलब है बंधन कर्मों का मानी है बंधन कर्म बंधो बंधो आवेश मानव अंधो आवेश मानव अंधो अमृत तो बोलिया जेवा बरे नरोतम तो ठाकुर कीर्तन में लिखा है बंधो ज्ञान बंधो आवेश मानव बंध कर्म कांडों के द्वारा कभी भी कर्मो कांडों के द्वारा कभी भी हमारा सुविधा नहीं हो सकता कभी भी नहीं कर्मों के द्वारा कर्म में एक कर्मों दूसरा कर्मों का और ले जाएगा दूसरा कर्मो तीसरा कर्मों का ओर ले जाएगा एक कर्मों के द्वारा दूसरा कर्मों प्रोपागेट करते चलेगा इसका कोई एंड नहीं है कर्म ऐसा चीज है इसका रिएक्शन जरूर रहेगा एक कर्म करो तो एक कर्मों का रिएक्शन रहेगा वो रिएक्शन को भोगने के लिए दूसरा एक रिएक्शन है ऐसा करके कर्म चलते रहे एक मिसाल एक एक उदाहरण दे दे एक उदाहरण दे दे आपको पता चलेगा जैसे स्वर्गराज इंद्र है स्वर्गराज इंद्रो स्वर्गों का राजा है और स्वर्गों स्वर्गों का राजा होने के नाते इसका अंदर में थोड़ा को तो जरूर है जब मैं राजा हूँ स्वर्गों का राजा हूँ मैं स्वर्गों का राजा हूँ ऐसा करके तो विचार तो है ही है और स्वर्गों का राजा होने के नाते इसका अंदर में थोड़ा अभिमान है देवगुरु बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति इंद्र का सभा में आए हुए पधारे हुए हैं किस काम हैं किस काम पे आए हुए हैं गुरु जी लेकिन इंद्र महाराज उस समय अपना सभा में महफिल अपना सभा में महफिल चल रहा था नित्य गाना बजाना सब चल रहा था और इंद्र महाराज अपना बीवी सची देवी का साथ अपना बीवी सी देवी का साथ सिंहासन के विराजमान है उन्होंने दूर से देखा उन्होंने दूर से देखा गुरुजी बृहस्पति आ रहा है देवराज बृहस्पति आ रहा है गुरुजी आ रहे हैं देवराज बृहस्पति को देखते हुए भी इन्होंने सिंहासन छोड़ के नीचे आया नहीं यहाँ तक कि खड़ा होकर स्वागत नहीं किया यहाँ तक कि खड़ा होके स्वागत भी नहीं किया बृहस्पति गुरुजी को सम्मान नहीं किया बृहस्पति ने विचार किया देवगुरु बृहस्पति ने विचार किया इसका अंदर में अभिमान पैदा हुआ है क्योंकि स्वर्ग का रा क्योंकि ये स्वर्गों का राजा है इसीलिए इसका अंदर में अभिमान पैदा हुआ चलो ठीक है हमारा क्या आता जाता है बोल के देवगुरु बृहस्पति अंतर्ध्यान लीला को आविष्कार किया है अंतर्ध्यान लीला अतत गायब हो गया जब बृहस्पति जी गायब हो गया देवराज इंद्रो थोड़ा समय बाद विचार बनाया ये जो गुरु जी सभा में आया मैंने सम्मान नहीं दिया ये जो गुरु जी सभा में आया था मैंने खड़ा हो, होके स्वागत तक भी नहीं किया ये जो गुरु जी सभा में आया है मेरा पास पधारी हुए कृपा करके मैंने खारा हो, मैंने खड़ा होके इसका सम्मान भी नहीं किया खड़ा होके इसका सम्मान तक नहीं किया मैंने बड़ा गुनाह किया गुरुजी गुस्सा होके चले गए मेरा अभिमान देख के चलो ठीक है गुरु जी को मनाएंगे हम बृहस्पति अंतोद्धन लीला को आविष्कार किया और इंद्र महाराज गुरु जी का खोज में निकाल गया गुरु जी को खोजना शुरू किया गुरु जी कहाँ गया गुरु जी को खोज में गया खोजने के लिए निकल पड़े लेकिन गुरु जी मिला नहीं चप्पा चप्पा छान मड़ी लेकिन गुरुजी है नहीं कहाँ गया गुरुजी पता नहीं कहाँ गया एक दिन दो दिन महीना भर समय गया बड़ा अफसोस किया गुरुजी चला गया मेरे को ए, मेरा यज्ञ आदि उपदेश आशीर्वाद कौन देने वाला मेरा जिंदगी में जो आशीर्वाद है मेरा जिंदगी जो मंगल का कामनाएं हैं ये मंगल का मना कौन करेगा गुरुजी तो चला गया हम यज्ञ आदि कर नहीं सकेंगे कैसे योग्य करेंगे हाय राम गुरुजी को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया बाद में मिला नहीं बड़ा दुख अपना दुख भरे नाले सुना के लिए ब्रह्मा जी का पास गया भगवान ब्रह्मा को बताए ऐसा ऐसा बात है हमारा गुरुजी गायब हो गया गुम हो गया कहाँ चला गया कौन पता नहीं पितामह विश्व जी ने बताया तुमने अच्छा नहीं किया हे hey देवराज इंद्रो आपने अच्छा नहीं किया गुरुजी आपका सबका मूल है गुरुजी को आपने अपमान किया गुरुजी को आपने अपमान किया ये उचित नहीं है जाओ गुरुजी को ढूंढो और ढूंढ के अगर मिला नहीं तो कहाँ करे जोग आदि कैसे करेगा सब बंद सर्गों का मांगलिक अनुष्ठान सर्गों का मांगलिक अनुष्ठान में जग को ज़्यादातर होता है हरिकथा कीर्तन वो कहाँ होता है बृहद भागवतम ऋतु का चर्चा किया हमने वृहद भागवतम ऋतु का चर्चा किया जहाँ स्वर्गों में जाकर हमारा गोप कुमार को अच्छा नहीं लगा गोप कुमार ने गया बामन देव को दंडवत किया देखा पूजा अर्चन होता ही है सब ठीक है लेकिन वहाँ अच्छा नहीं लगा क्योंकि जहां निरंतर भगवान का नाम संकीर्तन महिमा कीर्तन नहीं है वहाँ कहाँ करे हम लोग जहाँ भगवान का निरंतर हरिकथा कीर्तन नहीं है वहाँ संत महात्मा लोग रहना नहीं चाहता वहाँ रह के क्या करे नज़त्र त्रो वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधव भगवता तदाश्रया न जत्र मखा समखा ए सुरेश लोक ओपी नई सैब आम सुरेश लोक मतलब इंद्र का जो सर्ग लोक है ये भी अगर संत महात्मा को बोला जाए आप स्वर्ग जाना चाहते हो बोले नहीं महाराज हम स्वर्ग जाके क्या करें हम स्वर्ग जाके क्या करें वहाँ कुछ नहीं है हमारा लिए हम तो चाहता है संत महात्मा का संग हरि कथा कीर्तन ही चाहता है न जत्र जो हैं जत्रो वैकुंठ कथा सुधा पका जहाँ भगवान का कथा कीर्तन का बार बार मतलब एकदम पानी का बार जैसा आता है ऐसा नहीं है वहाँ कुछ सुविधा नहीं है और श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने ये जगत में भगवान भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने इस जगत में हरिकथा कीर्तन का बार लाए हुए हैं फ्लाड फ्लाड और हरिकथा कीर्तन भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने इस जगत में नाम संकीर्तन हरिकथा कीर्तन का एक बार लाए हुए है प्रबल बार लाए हुए हैं चैतन्य महाप्रभु जी ने जो भी है तो इंद्र में जो हम बताना चाहे जो स्वर्गराज इंद्रों ने सोचा अब हमारा मंगल का रास्ता तो बंद हो गया गुरुजी मिलता ही नहीं कहाँ चला गया गुरुजी तो एक काम करे सब ने मिलकर विचार बनाया तैयार किया विश्वरूप बोल के एक ब्राह्मण है बड़ा अच्छा खासा बड़ा पावरफुल है बहुत भजन करते हैं विश्वरूप का विश्वरूप को जाके पकड़े विश्वरूप को जाके देवता लोग सारे इकट्ठा होकर विश्वरूप का पास गया तातो तातो मतलब प्यारा शब्द है तातो तातो आपका पास हम लोग आए हुए हैं देवता लोग आपको थोड़ा कुछ कृपा करना पड़ेगा मतलब परे, क्या करना पड़े बताइए फरमाइए आप बोले हमारा गुरु जी अंतर्ध्यान लीला आविष्कार किया है हमारा स्वर्ग का मांगलिक अनुष्ठान सारे रोक गया हमारा स्वर्ग का जितना सारे मांगलिक अनुष्ठान है सारे रोका हुआ है तो आपको थोड़ा जाके यज्ञ आदि करके हमारा स्वर्ग का मांगलिक अनुष्ठान करना है क्योंकि इनके जो पितृकुल और मातृकुल है पितृकुल देव, देवकूल है मातृकुल अशुरकूल है मैंने मामा लोग, मामा मैटर्नल आंकल मामा लोग, तो थोड़ा संबंध तो है ही है बोले ठीक है हम कर देंगे कोई बात नहीं बड़ा तपस्या करने वाले हैं ये बड़ा तपस्या करने वाले हैं विश्वरूप इनके कृपा लेकर इंदो महाराज अपना योग्य आदि स्वर्ग का मांगलिक अनुष्ठान के अनुष्ठान को आगे बढ़ाना चा इन्होंने यज्ञ करने बैठा है मैंने एक उदाहरण के साथ आपको साबित कर देंगे दैट कर्मों के द्वारा कर्मों कर्मों का द्वारा कर्मों का बंधन काटा नहीं जाए कर्मों के द्वारा कर्मों का बंधन कभी भी काटा नहीं जाए कर्मों कैन प्रोपागेट एनादर कर्मों कर्मों के द्वारा कर्म का बंधन को काटना संभव नहीं इसीलिए मैं इसको साबित करने के लिए एक घटना ये कहानी, एक कहानी ये जो एविडेंस है शास्त्रों से उठाया यहाँ विश्वरूप को बुलाया विश्वरूप जज्ञो करने बैठे हुए हैं विश्वरूप योग्यो करने बैठे हुए हैं और विश्वरूप योग्यो करते करते अपना जो सागे संबंधी है ओसुर लोग योग करने बैठे हैं योग्य करते करते अचानक इंद्र योग्य करते करते अचानक इंद्र महाराज ने देख लिया जे ये विश्वरूप चुपके से असुर लोगों को जज्ञों का भाग दे रहा है ये विश्वरूप चुपके से जज्ञो का भाग दे रहा है असुर लोगों को स्वाहा स्वाहा बोल के दे रहा है और चुपके से ओसुर लोगों को भी दे रहा है ये इंद्र महाराज ने देख लिया अब देखने का साथ साथ उसना दिमाग चढ़ गया एकदम इंद्र महाराज जी ने जब देखा ये अपना असुर कुल को अपना जगों का भाग दे रहा है तो गुस्से में आकर क्या किए इतना दिमाग चढ़ गया उन्होंने क्या किया तुरंत अपना तरवाल को निकाला निकाल के विश्वरूप का गरदान को काट दिया काट के फेंक दिया विश्वरूप का एक गर्दन नहीं था तीन गर्दन, बहुत सारे कहानी है इसमें तो विश्वरूप को काट के फेंक दिया काटने का साथ साथ हाहाकार मच गया एक तो ब्राह्मण है दूसरा है उसको गुरु रूप में धारण किया गुरु रूप में आपने अपनाया है अपने गुरु रूप में अपनाया है अर्थात इंद्र महाराज गुरु रूप में उसको अपनाया है ब्राह्मण हत्या किया गुरु हत्या किया इस बड़ा नुकसान हो गया साथ साथ ये ब्रह्म हत्या का जो पाप है ये ब्रह्म हत्या का पाप जो है इसको पकड़ने के लिए आया ब्रह्म हत्या पाप से छुटकारा मिलने के लिए लो बड़ा भारी दूर लगाया कहाँ जाए कहाँ जाए ऐसा करके दौर लगाया तो विश्व रूप का हत्या मतलब ब्रह्मत्या पाप ब्रह्महत्या पाप को कैसे रोके ब्रह्म पाप को संभालने के लिए ऋषियों ने विचार किया ये ब्रह्मता पाप को ए, इंद्र महाराज को मुक्त कर देगा और सारे चार पाठ किया चार हिस्सा बंटवारा कर दिया एक है एक है मैया लोग मैया लोगों का जो मासिक धर्म है इसके द्वारा ब्रह्मोत्तर के हिस्सा मैया लोग ले लिया मैया लोगों ने इसका ले लिया पानी का अंदर में जो बुद्ध बुद्ध है बाबल्स है ये बुध बुद्ध का रूप में ब्रह्मोत्तर का पाप दिखाई पड़ता है जमीन जो है ये जो जमीन है मिट्टी ये भी ब्रह्मोत्तर का पाप ले लिया और पेड़ पौधा जो है पेड़ पौधा को काटो ए वो भी और पूरा हो जाता है ऐसे करके ब्रह्मोत्त का पाप का चार बंटवारा कर दिया करके इंद्र महाराज जी को इंद्र महाराज जी को ब्रह्मता पाप से बचा दिया ऐसा करके ब्रह्मवत्ता पाप से इंद महाराज थोड़ा अपना बच अपना जीने का व्यवस्था कर लिया लेकिन फिर भी ये समस्या का समाधान नहीं है आपको दिखाना चाहूँ मैं कर्मकंड कैसा डेंजरस होता है फिर इसका बाद क्या हुआ विश्वरूप का पिताजी जो है विश्वरूप का पिताजी जो त्रोष्टा विश्वरूप का पिताजी त्रोष्टा त्रोष्टा ने सोचा ये हमारा लड़का को मार डाला इंद महाराज इसको हम प्रतिशोध लेंगे इंद महाराज जी को सबक सिखाएंगे हम बोल के त्रोष्टा एक युग का आयोजन किया त्रोष्टा ने अपना लड़का अपना बेटा का जो कत्ल कर दिया इंद्र महाराज इसका प्रतिशोध लेने के लिए अपना एक यज्ञ जज्ञ का आयोजन किया ये यज्ञों का आयोजन किया बड़ा यज्ञ है ये युग का अंदर में बड़े से ब्रह्मषि आदि सब बैठा हुआ है और आग में आहुति दे रहा है इसका मकसद है आंख से कुछ ऐसा पावरफुल शक्ति प्रकट करे जो इंद्रों को मार सके आपको विश्वास नहीं होगा शायद आंख से द्रौपदी जी आंख से जग्नि से दुपद राजा का कन्या आंख से प्रकट हुआ है तो आंख से हो सकता है ऐसा कोई बात नहीं तो आंख का अंदर से एक पावरफुल सत्या आंख जलता हुआ जग का अग्नि से एक ऐसा सत्या को प्रकट करना चाहे जो इंद्र महाराज का मुकाबला कर सके इंद्र महाराज को सबक सिखाने के लिए उन्होंने जग में आहुति दिया और होनहार का खेल है महाराज जगों के मंत्रों में मंत्रों में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का फर्क पड़ गया संस्कृत शब्द जो जो है मंत्रों जो है इसमें ज्यादा सा भी प्रोनाउंसिएशन का इधर उधर हो गया तो मीनिंग टोटल बदल जाता है संस्कृत में नियम है कोई अगर प्रोनाउंसिएशन अब करो मंत्रों का थोड़ा इधर उधर हो गया प्रोनाउंसिएशन का तो मीनिंग बदल जाएगा तो ऐसा हुआ है यज्ञ में आहूति देके आहुति देके होता उद्गाता हैं सब कुछ है उधर उनको बोलना था इंद्रों को मारने वाला इंद्रों का साथ टक्कर लेने वाला इंद्रों को मारने का ताकत रखने वाला एक सत्ता प्रकट हो जाए इसको बोलना यह था इंद्रों का जो शत्रु है यह प्रकट हो जाओ इंद्र शत्रु और मंत्रों में थोड़ा सा फड़क हो गया प्रोनाउंसिएशन में जरा सा इधर उधर हो गया इसमें क्या होगा इंद्रो जिसका शत्रु है मतलब इंद्रो जिसको मारेगा मैंने मंत्रों का मकसद था इंद्रो को मारने वाला कोई सत्ता प्रकट हो जाए लेकिन मंत्रों में थोड़ा गलती हो गया और इसका मीनिंग क्या निकला इंद्रो जिसको मारेगा ऐसा सत्ता प्रकट हो जाओ बस उल्टा हो गया इंद्रो शत्रु विभोर्द इंद्रो का शत्रु बढ़ जाओ ऐसा बोलना था लेकिन हुआ उल्टा इंद्रो जो शत्रु है वो बढ़ वो उसका ताकत बढ़े इंद्रो जो ये जो निकल रहा है सत्ता उसको मारने का ताकत इसमें पैदा उल्टा हो गया जैसे एक उदाहरण दे दे आपको एक धनी व्यक्ति करोड़पति का जो हवेली है करोड़पति का हवेली है वो हवेली में नौकर चाकर से कमी कुछ नहीं है नौकर चाकर है इधर उधर सारे बिखरे हुए हैं और इतने में एक नौकर जो है अर्थात गेटमैन है बाहर में है गेटमैन है वो भी सब लेके तैयार है कोई आए तो उसको रोकेगा उसको रोकेगा कैसे कौन जाने एक चोर हवेली में कैसे निकल गया हवेली का अंदर में घुस गया हवेली का अंदर में एक चोर घुसा है कहां से कैसे घुसा है कौन जाने कैसे घुसा है कौन जाने हो सके कि वो गेटमैन कुछ चक्कर में था नशे का चक्कर में था कुछ था तो इतने में घुस गया जाके एक कीमती चीज चोरी करके वो चोर वो चोर चोरी करके भाग रहा है चोरी करके भाग रहा है मालिक ने देख लिया ऊपर से और गेटमैन को चिल्ला रहा है गेटमैन को चिल्ला रहा है और ये तोतली बोली है इनका स्टैमरिंग है वो, वो उसका बोलने का मतलब था ये गेटमैन को बोलना था गेटमैन को बोलना था गेटमैन को बोलना था रोको मत जाने दो गेटमैन को बोलना था ऊपर से बोल रहा है मालिक उसका स्टैमरिंग है वो बोल रहा है जे, वो, रोको मत जाने दो ये बोलना चाहा लेकिन उसका स्टैमरिंग है वो तोतली तो बोली है बोल नहीं सकता वो ऐसा बोल दिया बात कि नौकर ने छोड़ दिया उसको भले कैसे बोला? रो, 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 रोको मत जाने दो ऐसा बोल दिया स्टैमरिंग है मैंने बोलना था रोको मत जाने दो लेकिन बोल दिया रोको मत जाने दो रोको मत जाने दो इसमें थोड़ा गैपिंग है तो अभी सेंटेंस का मीनिंग बैठेगा रोको मत जाने दो उन्होंने रो, रोको मत जाने दो मतलब रोको मत डोंट स्टॉप अलाउ हिम टू तो गो आउट तो ऐसा ही है इंद्र शत्रु विब है इंद्र शत्रु माने इंद्र का जो शत्रु है ये जो वितासुर आंख से निकाला है इसका शक्ति बढ़ाने के लिए मंत्रों में होती दिया है लेकिन मंत्रों में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस हो गया तो मीनिंग होगा मीनिंग हो गया इंद्रो जिसका शत्रु है इंद्रो जिसका शत्रु है हैं इंद्रो जिसका शत्रु है ये इंद्रो को इंद्रो का शक्ति बढ़े तो इंद्रो इंद्र का शक्ति बढ़ गया तो इसके रिजल्ट क्या हुआ छोटा हमारा भागवत जी महापुराण में छोटा स्कंद में आता है जहाँ देखोगे वृत्तासुर का साथ स्वर्गराज इंद्र का बड़ा भारी युद्ध हुआ नर्मदा का किनारे तो बड़ा फाइटिंग हुआ इतना बड़ा एक साल तक पूरा वितासुर और वितासुर का ग्रुप असुर लोग और स्वर्ग लोग देवता लोगों का अंदर युद्ध चल रहा है और युद्ध में क्या हुआ अंतिम में वितासुर का जो पिताजी है त्रष्टा मतलब विश्वरूप का पिताजी एक ही है विश्वरूप का पिताजी का मकसद था इंद्रों को मारना लेकिन उल्टा हो गया युद्ध क्षेत्र में बित्तासुर का इतना पावर है लेकिन फिर भी इंद्र महाराज ने बित्तासुर को मार दिया बितासुर को मार दिया इंद्र जी ने बितासुर को मार दिया वो भी बहुत सारे कहानी है बताना नहीं चाहता बोलो समय ले लेगा वो भी बितासुर को मारना संभव नहीं था बितासुर को मारने के लिए फिर उसने विचार बनाया ये कैसे भी तासुर को मारे क्योंकि वित्तासुर को मारने का ताकत किसी का अंदर में नहीं है जितना सारे अस्त्र शस्त्र है मिसाइल है सब बेकार है बाद में क्या किया उन लोगों ने विचार बनाया उन्होंने विचार बनाया दोधिची बोल के एक ऋषि है दधिची मुनि दोधिची मुनि का पास जाने का विचार किया क्योंकि दोधीची मुनि का तपस्या से तपस्या तो सांस्कृत में बोलता है तपस्या तो तपस्या के द्वारा शानदार पावरफुल शरीर है शानदार पावरफुल शरीर है किसका ददीची मुनि का देखने में तो एकदम ऐसा है देखने में कुछ नहीं है एकदम पतला दुबला पतला लेकिन ब्रह्म तेज इतना है उसका हड्डी को लेकर अगर कोई अस्त्र बनाए इसका नाम है वज्र है माने ये मुनि का हड्डी को लेकर अगर इंद्र महाराज वज्र वज्र बनाए ये वज्र इनफेलेबल अथवा वज्रों के द्वारा बित्तसुर मरेगा ही मरेगा और दूसरा कोई रास्ता नहीं जगत का कोई भी अस्त्र शस्त्र जित जगत का जितना भी सारे अस्त्र शस्त्र है सारे बेकार है एकमात्र द्वदिषी मुनि का तपस्या के द्वारा पावरफुल जो उसका हड्डी है हजारों हजारों साल से तपस्या से द्वारा एकदम इतना शक्ति ताकत है ये हड्डी को लेकर अगर इंद्र महाराज वज्र बनाए ये वज्र के द्वारा वित्त सुर को मार सकता दूसरा कोई रास्ता नहीं तो द्वदुषी मुनि का पास गया देखो कर्मकांडो क्या है कर्मकांडो क्या है ना ये बताना चाहा इन्होंने दोदी मुनि का पास गया, दो मुनि को प्रेयर किया प्रार्थना किया आप एक काम करो आपका पास आए हुए हैं क्या चाहिए पहले आपका शरीर चाहिए अरे शरीर चाहिए हाँ आपका जो हड्डी है ये हड्डी से हम लोग वज्र बनाएंगे नहीं तो स्वर्ग शर्गुर, राज्य सब मुसीबत में गिरा हुआ है स्वर्गराज्यों का बड़ा मुसीबत है आप थोड़ा कीपा करके बचाओ दो महाराज अपना शरीर को दे दिया ये शरीर से ये शरीर से ये जो हड्डी है हड्डी से बनाया बज्रों ये बज्रों के द्वारा वृत्तासुर को वध किया तो देखो कितना किसना कर्मखंड कर जब वृत्तासुर को वध किया वितासुर वध होने का बाद क्या हुआ फिर ब्रह्मात्ता का पाप आया अब कहाँ जाए पहले ब्रह्मात्ता का पाप तो बटवारा कर दिया पहले का जो ब्रह्महत्ता का पाप है ये तो चारों हिस्सा में बंटवारा कर दिया अब ये जो ये जो ब्रह्महत्ता का पाप अभी आए हुए हैं इसको कहाँ संभाले इंद्र महाराज दौड़ते 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 भागा है मानस कहाँ गया मानस सरोवर हिमालय में मानस सरोवर में गया मानस सरोवर का पानी में जो पद्म फूल है मानस सरोवर का पानी में जो पद्म फूल है वहाँ जाके क्योंकि पद्म फूल में लक्ष्मी देवी का अधिष्ठान है लक्ष्मी देवी का मैया का चरण में जाके शरण ली वहाँ जाके मानस सरोवर में हिमालय मानस सरोवर में जाके मानसरोवर जो पद्म फूल है उसका अंदर में जाके इंदो महाराज सेल्टर लिया अब वहाँ सेल्टर लिया और जो इंदो महाराज को खाना पीना बंद है खाना पीना पूरा बंद है बोले तो कैसे खाएगा क्योंकि इंदो महाराज जी को इंदिरा स्वाहा बोल के आग, आग में देना पड़ता है ना, तो सारे देवता लोग का लोगों का जो खाना है ये इंदो ये जो अग्निदेव ये जो अग्निदेव है ये अग्निदेव हर किसी देवता का खाना उठा के ले आके इसको देता है ये जो अग्निदेव है हर देवता का जो भोजन है शेयर है अपना भोजन का हिस्सा है अपना भोजन का सारे हिस्सा ये अग्निदेव जाके इसको देता है अब अग्निदेव कहाँ जाए क्योंकि इंद्र महाराज तो पानी में शरण लिया इंद्र महाराज जो पानी में शरण लिया आंख तो पानी का पास जा नहीं सकता आंख पानी में जाए कैसे आंख अगर जाए पानी में तो बुझ जाएगा तो मुश्किल है इंद्रों का खाना पीना बंद है खटिया खरा हो गया सारे देवर्षि ब्रह्मर्षि सारे ऋषियों ने ऋषि मनियों ने विचार करके बताया इंद्र महाराज को मैसेज भेजा खबर भेजा इंद्र महाराज आप बे बेफिक्र रहो अब आ जाओ अब आ जाओ कैसे आए ब्रह्मोत्ता का पाप हमको स्पर्श करेगा न कुछ नहीं करेगा हम लोग अश्वमेध योग्य करेगा हम लोग आपका लिए अश्वमेध योग्य करें हम लोग आपका लिए अश्वमेध योग्य उतारेंगे अश्वमे योग्य करके आपको पाप से छुटकारा दिलवाएंगे आप बेफिक्र रहो आ जाओ फिर अश्वमे योग्य कर कर ये ब्रह्मोहता पाप से इंद्र महाराज की छुटकारा आप देखो कर्म कांडों का कैसा भयंकर परिणति है एक कर्मों से दूसरा कर्म दूसरा कर्मों से तीसरा कर्म तीसरा कर्म से, से चौथा कर्म ऐसे एक कर्म दूसरा कर्म को प्रोपागेट करते करते आपको घेर लेगा एक कर्मों से दूसरा कर्म दूसरा कर्म तीसरा कर्म, कर्म ऐसा करके कर्म आपको बंधन में डालेगा तो कर्म बंधन का कारण बन जाएगा इसलिए कर्मों से कभी कभी किसी को छुटकारा मिलने का कोई चांस नहीं है यहाँ तक कि आप अगर कहो हम आप अगर कहो ज्ञान मार्ग में योग मार्ग में ये भी स्टेबल मार्ग नहीं है ये जो ज्ञान मार्ग है ये जो आपका योग मार्ग है कर्म मार्ग है किसी में कोई भरोसा है नहीं इसीलिए ब्रह्मा जी ने बताया देखो जो देवता लोग ने बताया भगवान को भगवान अगर किसी ने सोचा कि हम ज्ञान के द्वारा ज्ञान प्रयास मुदपाश्य ब्रह्मा जी ने भी बताया है और फिर देवता लोगों ने बताया जब गौरवस्तुति में गौरवस्तुति हुई गर्वस्तुति हुई तब देवता लोगों ने बताया जे आरुझ कृच्छन बरम पदम ततः आरुझ्य कृच बड़ा कष्ट करके आरुझ्य कृष्ण परम पदम ततः पतति अथो अनाद्र जुष्मत अंग्रह बड़ा काबिल बन गया बड़ा ऊपर हो गया हम ऐसा करके बड़ा कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग ऐसा करके बड़ा ऊपर उठने का कोशिश करे बाद में कुछ नहीं हो सकता आरुज्य कृच्छेना न परम पदम तथा पतो अनादृत जुश्मत अंग्रह आपका चरण का नित्य नित्य स्थिति आपका चरण कमल का नित्य महिमा को आपका चरण कमल का सेवा ठुकरा दिया आपका चरण कमल का जो नित्य सेवा है नित्य महिमा है इसको इनकार कर दिया इसको स्वीकार नहीं किया इसीलिए ये लोगों को फिर से ऊपर से पढ़ना पड़ेगा भागवत जी महापुराण में कितना प्रमाण है जोगी ज्ञानियों का कितना पतन हो गया ऊपर से जोगी ज्ञानियों का कितना पतन हो गया बहुत सारे यहाँ तक भी ब्रह्मा जी भी बताया ज्ञाने प्रयास मुदपाश्य नमंत एव जीवंती सन्मुखरीतम भवदीय वार्ता सनिश्चिता सुतिगता तनुवांग तो मनोवीर ये प्राय सो अजीतो जीतो पियशिष तोय श्रीलोक्याम ब्रह्मा जी ने खुद भी बताया हम आज से ज्ञान मार्ग में ऊपर उठ के आपको समय लेंगे ब्रह्मा जी ने बताया आज से मैं वादा करता हूँ आज से मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ ज्ञान के द्वारा आपको हम प्राप्त कर लेंगे आपको हम समझ लेंगे ऐसा विचार हमने छोड़ दिया आज से ज्ञाने प्रयासम उदपाश्य हमने फेंक दिया नमंत्र एव हम अहंकार छोड़कर भाव नमंति एव एव मैने अफर्मेटिव नमंति एव भाव से सर झुकाकर विनम्र भाव से अहंकार छोड़कर आपका चरण में शरणागत तो होकर क्या करें? हैं नमंत एव जीवंती सन्मुख रीतम भवदीय कैसे जिए ना साधु महात्मा साधु महात्मा का मुखारविंद से पिघले हुए संत महात्मा लोगों का संत, संत महात्मा लोगों का मुखारविंद से पिघला हुआ जो वाणी है अमृतमय वाणी ये पान करके ए? स्थाने स्थान श्रुतिगतम तोनुब मनोभी काय मन और बाघ काय मन और बाघ तीनों के द्वारा शरणागत होकर अपना अभिमान का जो भावना है पूरा फेंक कर मैं बड़ा ज्ञानवान हूं ज्ञान का द्वारा आपको समझ लेंगे ऐसा विचार को फेंक कर मैं क्या करूं आपका चरण में शरणागत होकर संत महात्माओं का मुखारुबिंद से पिखला हुआ बाणी को वानी को सुनते रहेंगे स्थाने श्रिता सुतिकदम तनुवांग मनोवीर जब तो आप जैसा आपका नाम है अजीत आपका नाम है क्या अजीत है यू कैन नेवर बी कंक्वाड आपका नाम है अजीत अजीत माने जिसको जीता नहीं जाए अजीत मतलब जिसको कभी भी जीता नहीं जाए उसका नाम है अजीत ये अजीत आप जो अजीत हो आपका जो जीता नहीं जाए फिर भी आपको जीता जाए क्योंकि भक्ति ऐसा चीज है भक्ति के द्वारा भगवान को अपनाया जाए भक्ति के द्वारा भगवान को वशीभूत किया जा सकता है एक मत तो भक्ति क्या बाकी किसी के द्वारा नहीं इसलिए नारद जी महाराज युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं नारद जी महाराज युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं कि महाराज भगवान मुक्ति तक दे देता है मुक्ति ले जा क्या चाहिए बोल ये यथामंग प्रबोदंत तंग तथ भजाम्य हम भगवान ने वादा किया भगवान ने प्रतिज्ञा किया गीता में गीता में भगवान ने प्रतिज्ञा किया ये यथामंग प्रपद्दंत तंग तथिव भजाम हम जो हमको जैसे भजन करता है मैं उसको पेमेंट देता हूं ले जा भगवान ने बोला ये यथावंक प्रबद्ध सती भजाम हम जो हमको जैसे भजन कर उसको पेमेंट दे देता हूं समझा लेकिन भगवान का यही विचार है लेकिन भगवान भक्ति देना नहीं चाहता भक्ति नहीं देन राखे लुकाइया चैतन्य चौम्य तुम्हें है भगवान सब कुछ देना चाहता है माल पानी से लेकर जो कुछ भी मांगो सब दे देंगा भुक्ति मुक्ति क्या चाहिए बोलो मुक्ति का अंदर में बहुत सारे मुक्ति है, है? शालोक को साजुजो साष्टी सारूपो हैं साजुज्जो भी है बहुत सारे मुक्ति हैं सब देना चाहता है लेकिन भगवान भक्ति देना नहीं चाहता है। क्यों भक्ति देने से भक्तों का भक्तों का गुलाम बन जाता है भगवान भक्ति देना मतलब भक्ति देने का मतलब है भगवान अहम भक्त पराधीनो अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र ही वो दिशो किसी का अंदर में अगर भक्ति हो जाए भगवान इसका सेवा करना चाहते मतलब किसी का अंदर में भक्ति हो गया तो भगवान को इसका पीछे रहना पड़ेगा भगवान हाथ छुड़ा के जाना चाहता है इसीलिए भगवान भक्ति छोड़कर सब कुछ देना चाहता है इसीलिए नारद जी महाराज ने बताया जुधिष्ठिर महाराज जी को भगवान ददाति मुक्तिम भगवान ददाति मुक्तिम स्मौन भक्ति योगम भगवान मुक्ति तक भगवान मुक्ति तक देना चाहता है लेकिन भक्ति देना नहीं चाहता है। क्यों भक्ति देने से भगवान को गुलामी करना पड़ेगा इसीलिए भगवान देना चाहिए ऐसा इसीलिए भक्ति का मतलब है भगवान ने खुद स्वीकार किया अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र दिजो भक्ति मतलब सबसे बड़ा संपत्ति है जीवों का लिए भगवान का चरण में जो भक्ति है प्रेम भक्ति ये सबसे बड़ा अनमोल अनमोल संपत्ति है भगवान का चरण में जो प्रेम भक्ति है ये सबसे बड़ा अनमोल संपत्ति है जीवों का जिंदगी में इससे बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता इससे बढ़कर कुछ नहीं है इसलिए आज जो चातुर्मास स्वृतों का बारे में शास्त्रों में है ये चातुर्मास स्व सब कोई का लिए पालन करना जरूरी है चातुर्मास व्रतो हर कोई का लिए पालन करना जरूरी है हर कोई का लिए, चाहे वो कर्मकांडी हो ज्ञान कांडी हो कोई भी हो कोई भी हो जोगी ज्ञानी सब कोई का लिए, चातुर्मास स्व पालन करना जरूरी है चातुर्मास स्व चात को इनकार करने से अनंत काल के लिए नरक में जाना पड़ता है चतुर्मासों का समय में भगवान खेरोद के साई विष्णु अर्थात भगवान अनंत सज्जा में स्वयं करते हैं अर्थात जोगो निद्रा अर्थात जोगो निद्रा जोगो निद्रा जोगो माया का ऊपर जोगो माया का ऊपर जोगो माया का ऊपर ध्यान देते हैं भगवान योग माया का ऊपर ध्यान देते हैं इसलिए भगवान का जो निद्रा है योग निद्रा भगवान ये चौ महीना में चौ महीना में आषाढ़ महीना का रथ यात्रा का पाठ जो है अब से शुरू होता है और कार्तिक पूर्णिमा अर्थात जो अगर एकादशी से शुरू करे तो एकादशी में अंत है अगर आ, वो शुरू करे अगर पूर्णिमा में तो पूर्णिमा में अंत होता है ऐसा नियम है जो भी है तो ये शुरुआत तो होता है तब और इसमें बहुत सारे नियम हैं इसमें बहुत सारे नियम हैं खाने पीने का रोक टोक है खाने पीने के बारे में रोक टोक है बहुत सारे जैसे कि चौ महीना में पहले पहले महीना में श्रावन श्रावन का महीना में शाक, शाक, शाक मतलब स्पिनेच और निषेध है भादो महीना में दही और आसिन महीना में दूध ये सब निषेध है और कार्तिक महीना में आमिष अरे महाराज आमिष क्यों बताया संत महात्मा लोग वैष्णव लोग क्या आमिष खाता है आपने समझा नहीं आमिष का मतलब है वैष्णव लोगों के लिए कोलाई उरुत का डाल आदि राजमा ये सब जो आमिष है कार्तिक महीना में निषेध है क्योंकि वैष्णव लोग कभी भी आमिष नहीं खाता वैष्णव लोगों का लिए आमिष का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कहाँ से आ गया क्यों भगवान बोला भले वैष्णव लोगों के लिए आमिष का कोई सवाल ही नहीं है लेकिन फिर भी आमिष बताया क्यों आमिष बताया इसलिए वैष्णव लोगों के लिए आमिष का मतलब है मांस कला है मैंने उर्द का डाल आदि ये आमिष माना है जब भी आमिष नहीं है फिर भी उसका गंदगी है इसीलिए निषेध कर दिया और बाकी दुनिया के लिए जो डिया जो डी प्याज लहसुन लहसुन प्याज डीम मांस आहार करता है इन लोगों के लिए तो निषेध है तो ये जो चौ महीना है ये चौ महीना तमाम कर्मकांडी लोगों का लिए भी है समाज का हर आदमी का लिए समाज का हर आदमी का लिए ये चौ महीना पालन करना जरूरी है क्यों ये चौ महीना ना ही पालन करने से अनंत काल के लिए नरक में जाना पड़ता है आप वैष्णव लोगों में आजकल धीरे धीरे चौमाही चौ महीना का जो पालन है चौमासा पालन करने का जो नियम है वो भी धीरे धीरे गिरते जा रहा है गिरते वो लोग चाहते हैं कि इतना संभव नहीं है केशव परम केशव को से लिखा है चौ महीना चौमासा पालन करना ही पड़ेगा चौमा चौमासा जो है ये पालन करना ही पड़ेगा चौ महीना में बहुत सारे खाने पीना निषेध हैं जैसे हविष्यानु आहार करे तो और भी अच्छा है होविषानों में नारियल आता है दूध आता है मक्खन घी हैं आरो आए जो बहुत सारे फाइन ए हैं चावल वो आता है व, वो हविष्यानों में बहुत सारे चीज़ आता है वो अगर खा के जिए तो अच्छा है और अगर नहीं खा पाए तो ठीक है कम से कम कुछ तो पालन करें सावन में साग निषेध ये सब ये सब पालन करके चले और चौमासा का विशेष नियम ये है कि भगवान का गुण कीर्तन में लगे रहो चौमासा का चौमासा का जो विशेष नियम है चौमासा का नियम क्या है चौमासा का विशेष नियम है कि भगवान का गुण कीर्तन में लगे रहो हर वगत भगवान का नाम गान कीर्तन में लगे रहो एक दो एक उदाहरण दे दे श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत का भ्रमण प्रसंग में जब रंगनाथ में पहुंचा वहाँ वेंकट भक्तों तिरुमल भट्टो ये लोगों ने महाप्रभु के अनुरोध किया अब चौमासा शुरुआत होने जा रहा है आप कृपा करके हमारा इधर विराजमान रहे तो अच्छा है तब तो महाप्रभु चौमासा चौ महीना चौमासा चतुर्मास पूरा एक जगह में रहकर भगवान का नाम गुण कीर्तन का लीला करके दिखाया हम लोगों को नाम संकीर्तन आदि हरि कथा कीर्तन में चौबीसों में चौबीस घंटा महापूजन ऐसा लीला दिखाया जब महाप्रभु जी ने दिखाया नित्यानंद प्रभु महाप्रभु अद्वैत द्वित शिवास पंडित गोदाधर इस सब निग्न में जिस महीना का जो पालन का विधान किया तो इसके द्वारा ये साबित होता है चतुर महीना ये पालन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है भक्ति का अंग है चौ महीना भक्ति पालन करने जाओ भक्ति मार्ग में चतुर महीना अनडेबल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कोई अगर प्रश्न करे कोई अगर कोई अगर तर्क उठाए कोई अगर ऐसा तर्क उठाए जो महाराज रसाम्रित सिंधु में भक्ति रसाम्रित सिंधु में भक्ति रसाम्रित सिंधु में चौसठ प्रकार का भक्ति का अंग भक्ति रसाम्रित सिंधु में चौसठ किस्म का भक्ति का अंग दिया हुआ है इसमें तो कहाँ कोई चौमाइन चो चतुर्माइन मास पुरुषोत्तम कुछ मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ है और लिखा नहीं है क्योंकि सारे चौसठ की प्रकार का भक्ति अंगो जो है ये तो दिया हुआ है लेकिन पुरुषोत्तम व्रतों या कार्तिक व्रतों का बारे में डिफरेंट अलग अलग सा पुराण ने बहुत जगह प्रमाण है और विशेष करके भागवत जी महापुराण में नारद जी भागवत जी महापुराण में नारद जी महाराज नारद जी महाराज अपना साधन अपना साधन सिद्ध अपना साधन सिद्ध जो नारद जी महाराज बचपन का कहानी वैष्देव गोस्वामी को कह रहे हैं अपना बचपन का कहानी नारद जी महाराज कह रहे हैं कि वैष्देव जी महाराज को मैंने अपना बचपन में हमारा मैया का साथ दुखीनी मैया का साथ रहते थे एक समय एक साधु का झुंडू एक साधु का टीम साधु का एक बड़ा जो झुंडू है उन्होंने हमारा गांव में पधारे हैं हमारा गांव का चारों ओर पहाड़ी का चट्टी है नदी है और वहाँ छोटे छोटे वन हैं उसमें सूखा लकड़ी भी मिलता है फल फूल आराम से मिल जाता है नदी है वह गांव का इतना सुंदर परिवेश हमारा गांव का इतना सुंदर परिवेश देख के वो संत महात्मा लोगों ने इसी जगह हमारा गांव पे चौ महीना चौ महीना मनाने के लिए वहाँ रहने का इरादा पक्का कर लिया था इन लोगों ने चौ महीना उसी जगह रहने का इरादा पक्का कर लिया था अर्थात चतुर्मास पालन करने के लिए नारद जी कह रहे हैं वो संत लोग उधर रहें और हम बचपन में हम भी वो संत लोगों का संत महात्मा लोगों का साथ कीर्तन सुनने सुनते थे इनके प्रसाद हमको मिला करता था नाते थे नदी में सब ऐसा करते करते चौमासा मैंने पालन किया संत महात्मा लोग चौमासा का बाद वो गांव को छोड़कर मेरे ऊपर कृपा कृपा करके कृपा करके फिर आगे चल गया तो चौमासा के बारे में हर पुराण में हर जगह प्रमाण है चैतन्य चौत्यामित्व तो में भी प्रमाण है चैतन्य भाग में सब जगह प्रमाण है चैत चौमा चौमासा और पुरुषोत्तम मास वो भी इम्पोर्टेंट है बहुत बहुत सारे स्कंद पुराण में पद्म पुराण बहुत सारे प्रमाण हैं तो ये आज जो है आपका चौमासा तो पालन चार में तीन महीना हो गया अब आज आज, आज आज आपका अधिवास तिथि है कार्तिक व्रतो जिसको दामोदर व्रतो कल जिसको आप दामोदर व्रतो कहते हो जिसको आप ऊर्जा व्रतो कहते हो ये ऊर्जा व्रतो कार्तिक व्रतो दामोदर व्रतों आज अधिवास स्थिति है काल से उज्जेश्वरी राधा रानी का व्रतो पालन करने का व्यवस्था शुरू हो जाएगा ये जो हमारा शिला सच्चिदानंद भक्तमेंद्र ठाकुर जी ने लिखा है शिला सच्चिदानंद भक्तमेंद्र ठाकुर जी ने लिखा है चौमासा पालन करने के लिए बहुत सारे नियम हैं ये खाओ मत ये खाओ मत, ये मत करो, ये ऐसा मत करो ऐसा मत करो इतना समय तक मत सोए रहो इतना शंखा सारे नियम हैं चौमासा का विषय में ऐसा लिखा हुआ है जो व्यक्ति चौमासा पालन करते हैं हिमजिकली दोज वर गोइंग टू फॉलो चौमासा हिमजिकली नॉट एनी फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू फू अकॉर्डिंग फैंसिबल एटीट्यूड दे आर श्योरली गोइंग टू हेल्थ दे कैनॉट गेट एनी रिजल्ट जो लोग अपना मनमानी जो लोग अपना मनमानी चौमासा को पालन करने का बहाना बनाता है वो लोग नरक में जाता है चौमा चौमासा में सब बड़ा कठोर नियम है नियम बनाना पड़ेगा चौमाइना चौमासा के अंदर में खाने पीने का रेस्ट्रिक्शन तो है ही है फिर सोने का रेस्ट्रिक्शन है जब ध्यान का रिस्ट्रिक्शन है सब कुछ कितना जब एक लाख नाम कम से कम जब करो गंगा में नहाना सारे नियम है सारे नियम हैं और ये नियम पालन करते हुए ये नियम पालन करते हुए व्रतों को निभाना है ये इतना सारे जो रेस्ट्रिक्शन हैं भक्तविन ठाकुर जी ने बताया ये बद्ध जीवों का जो व्म्सिकल एटीट्यूड है बद्ध जीवों का अंदर में जो ये फैंसिबुल एटीट्यूड व्हिम्सिकल एटीट्यूड इसको कंट्रोलिंग में काबू में इसको कंट्रोलिंग में लाने के लिए इतना नियम पालन करना जरूरी है ये नियम पालन करना एकदम जरूरी है नियम पालन करते हुए ये जीवात्मा जो है जो माया का चक्कर में पड़ा हुआ है ये किसी भी हालत से करना नहीं चाहता लेकिन इतना चौमासा पालन करने का बहाना लेकर ये जो इनके जो ए, इनके जो मनमानी भाव है इनका जो मनमानी भाव है उसको कंट्रोलिंग में लाने का व्यवस्था करो, और सबसे उत्तम सबसे इम्पॉर्टेंट नियम क्या है सबसे इम्पॉर्टेंट नियम है चौमासा में कंटिन्यूसली यूल टू हियर हरिकाथा कीर्तन दैट इज द फास्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग चौमासा का अंदर में चौबीस घंटा भगवान का कथा कीर्तन में लगे रहो ऐसा नियम है ये इसमें ही सार्थक है बाकी नियम तो पालन करना ही पड़ेगा नहीं पालन करने से पूरा असुविधा है ये सब नियम पालन तो कार्तिक व्रतों मतलब ऊर्जेश्वरी रानी का व्रत दामोदर व्रतों काल से शुरू हो शुरुआत होने जा रहा है श्री चैतन्य महाप्रभु चौमासा पालन किया उसका नियम दिखाया और हम लोगों ने तैयार किया ये जो, जो हमारा कार्तिक व्रत है ऐसे तो आ, अंग्रेजी में चैतन्य भागवत तो प्रवचन चल रहा है चैतन्य भागवत हमारा अंग्रेजी में चल रहा है ठाकुर जी का कृपा से बहुत दिनों से लेकिन फिर भी समय के अभाव के कारण ज़्यादा हो नहीं पाता लेकिन चल रहा है चल रहा है बहुत दिनों से चैतन्य भागवत चल रहा है बहुत भक्तों लोगों का ये विनती है आदेश है कि अगर कृपा करके चैतन्य चैतन्य को पाठ किया जाए तो महाप्रभु का जो जितना सारे महाप्रभु का जितना सारे इतना गंभीर विचार है महाप्रभु का जो आचरण है महाप्रभु का जो शिक्षा है महाप्रभु का जितना सारे चीज़ है इसका जो जितना गंभीर विचार है वो चैतन्य चैतम्यों में है एक कहानी याद हो गया हमारा परम पूजा माधव गोश्वी महाराज हमारा परम पूजा माधव तो हयज्ञ ब्रह्मचारी एक दफे आपका बैरकपुर का बाद एक स्टेशन पड़ता है भूल गया अभी बहुत दिन से जाता नहीं श्याम नगर है श्याम नगर याद हो गया इस श्याम नगर स्टेशन में कोई एक रत्नों पंचो तर्को रत्नों बोल के बड़ा विद्वान रहते थे वहाँ हमारा परमजयम माधव से कि ब्रह्मचारी ने गया उसका था मिलने के लिए कुछ कारण था कुछ काम था सेवा का वहाँ जाके उनका साथ मिला मिलने का बाद थोड़ा शास्त्रों का चर्चा भी हो पाया शास्त्रों का विचार उठाया इसके बाद चैतन्य चढ़तामित्व तो के बारे में हमारा परम माधव गुरु से माँ ब्रह्मचारी ने, कि ने प्रश्न किया तो ये पंच पंचो, पंचो रत्न महाशय पंचानंद पंचतर्क रत्न महाशय इन्होंने चैतन्य चरतामित्व के बारे में ऐसा ऐसा रिमार्क ऐसा रिमार्क पास किया हैरान करने वाला इन्होंने बोला अरे चैतन्य में क्या रखा है कुछ भी नहीं है चैतन्य चैत्य में क्या है उतो पाया, उतो उसको ये तो प्यार गुण तो है प्यार मतलब वो चौपाई है पढ़ते चलो चौपाई अलग है मतलब जैसे कविता जैसा है वो तो कुछ भी नहीं है बांग्ला में लिखा हुआ है कुछ नहीं है ज्यादा क्या रखा है ऐसा करके चैतन्य तो का अपमान किया पंचतर्क रत्न महाशय उस समय माधव गोसाई महाराज जी ने लायन का मापिक शिंगों का मापिक प्रतिवाद किया ज महाराज आपका विचार गलत है आप अपने को पंडित मानते हो बड़ा पंडित आप जानते नहीं हो चैतन्य तो इतना गंभीर विचार है भागवत का विद्वान भागवत जी महापुराण का जो भी। जो विद्वान भी लोग है जो भागवत कंठस्थ है भागवत का प्रवचन कर सकता है ये लोगों के लिए भी चैतन्य चरितामित्व बहुत गंभीर है क्या कहते हो हां ऐसा बोला जो लोग चैतन्य चरतामितो पढ़ा नहीं वो लोग कुछ जानता ही नहीं भागवत जी महापुराण का बारे में अगर प्रवचन कर सके कोई वो तो असंभव है क्योंकि भागवत जी महापुराण कृष्ण है कृष्ण परिवर्तित कृष्णो तमालवर्णम ये जो है ना चैत भगवान श्री कृष्णो स्वयं स्वयं भागवत जी महापुराण का रूप धारण करके पधारी हुए हैं और चैतन्य चौथाम कौन है श्री चैतन्य महा स्वयं है इसमें कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है क्यों क्योंकि चैतन्य चौतामितों में श्रीमान महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा भाव सुबलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम जो रभु को श्रीपाल दिखा है जब भी चैतन्य महापो कृष्ण है लेकिन राधा भाव को लेकर पधारे हुए हैं और ये चैतन्य चौतामित्व में महाप्रभु का भाव गंभीर विषय सब है तो राधा रानी गंभीर राधा रानी का जो गंभीर विचार है ये महाप्रभु का अंदर में है राधा रानी गुरु है कृष्ण का भी गुरु है इसलिए चैतन्य चौतामित्व समझना बहुत कठिन है अगर कोई आदमी श्रीमद्भागवत जी महापुराण को थोड़ा किपा लेकर पठन पाठन करे लेकिन जो आदमी श्रीमद्भागवत जी महापुराण थोड़ा बहुत समझ गया लेकिन इसका लिए भी कठिन मानता है चैतन्य चौथा मित्र इतना गंभीर विचार है आप कहते हो कुछ नहीं है प्यार है आप पाठ करके देखो चैतन्य चौथा मित्र आप पाठ करके दिखाओ एक एक पयार में एक मीनिंग आप कह नहीं सकोगे वन कैन नॉट अंडरस्टैंड द इनर मीनिंग ऑफ ईच एंड ईच एवरी वर्ड्स ऑफ चैतन्य ज्योति चैतन्य च्योतमित्र इतना गंभीर है बहुत सीक्रेट है श्रीमद भागवत महापुराण का श्लोक का व्याख्या कर दो ठीक है कर सकोगे मुखोस्त किया है लेकिन चैतन्य चौतमित्र तो का विचार इतना गंभीर है जे ये, ये मत पूछो इसलिए ऐसा अभिमान ठीक नहीं है ये चैतन्य चौथा में तो कुछ भी नहीं है ये तो प्यार गुण तो है बंगला है कुछ नहीं है ऐसा मत बोलो ये सबसे गंभीर विषय है इसका इनर मीनिंग समझ समझना देवता लोगों को भी भी गंभीर है देवता लोग भी सके हैं नहीं इतना गंभीर विचार है इसलिए हम लोग विचार हमले हम लोग ये तैयार किया विचार किया ये पूरा कार्तिक महीना में श्री चैतन्य चौथाम का महिमा से लेकर धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु का सारे एक एक श्लोक का विचार करके शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती को प्रभुपाद प्रपाद गौरी गोष्ठीपति परमंश जगदगुरु और शिला सच्चिदानंद भक्ति ठाकुर जी का अनुगत्व में धीरे धीरे विचार करके हम लोग समझने का कोशिश करें श्रीमान महाप्रभु का गंभीर जो हृदय है माँ का चलना फिरना बोलना कोई आचरण इतना गंभीर है जिस तरह माँ का शिक्षा सारे एक एक करके विचार धीरे धीरे हम लोग कोशिश करेंगे शायद ये सायद कार्तिक महीना का अंदर में एक चैप्टर या दो चैप्टर भी कंप्लीट करना असंभव है फिर भी हम कोशिश करेंगे लेकिन ये तो नित्यकाल का सेवा है ऐसा नहीं कि एक मैंने चैतन्य चौथा में दो का एक चैप्टर हुआ दो चैप्टर हुआ ऐसा कोई बात नहीं दूसरा कार्तिक महीना में दूसरा चैप्टर से लेकर तीसरा चौथा ऐसा चलेगा मतलब जिंदगी भर जितने दिन जिएगा जितना दिन जीने का व्यवस्था है ठाकुर जी किया है तो ये चैतन्य चौथा में कार्तिक महीना में इस कार्तिक महीना जी जहाँ तक होगा वहाँ से आप मार्क करके कर रखेंगे आगे का विचार हम दूसरा कार्तिक महीना में हम विचार करते रहेंगे ऐसा करके चलेगा और चैतन्य भागवत तो चलता है कभी कभी ये लोग अनाउंसमेंट करता अंग्रेजी में चलता है अंग्रेजी में चलता है चैतन्य भागवत चल रहा है वो तो चलेगा अब कहाँ चैतन्य भागवत का व्याख्या देख लेना आ, कितना क्लास हुआ है नॉट इविन फोर्टी आई थिंक नॉट इविन फोर्टी तो बड़ा गंभीर है एक एक दिन चैतन्य भागवत का विचार मतलब बहुत सारे गंभीर विचार चलता है ठीक है ठाकुर जी का कृपा से चलते रहेगा आप लोग हमारे ऊपर कृपा करते रहना और हम कल से ठाकुर जी का कृपा से चैतन्य चौथान्वितों का गंभीर विचार प्रस्तुत करने का चेष्टा करेंगे यहाँ तक चर्चा का विश्राम देना ज़रूरी है जो श्लोक दे के शुरुआत किया है उसका व्याख्या काल हम करेंगे संसार सिंधु पार होने का जिसका अंदर में विचार है संसार सिंधु सिंधुत्तरणे हृदय यदि सात संकर्तन रसे रमते मनुष्य प्रेमां बुधौ बिहरणे यदि चित्तवीति चैतन्य चंद चरणे कुरुतानुरागम चैतन्य चंद चरणे कुतागम वांंचकलपत कृपा सिंध भविझ पावन बेष्णव्य नमो